तो दोस्तों आपका स्वागत है एक तड़कते भड़कते वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज राइट, हमारे अधिकार क्या है। राइट मतलब सीधा आड़ा टेढ़ा नहीं। राइट जो है किसी भी पर्सन का एक क्लेम है जो कि सोसाइटी के हक में होना चाहिए, ना कि विपक्ष में, और गवर्नमेंट के द्वारा माना जाना चाहिए, तभी हमारा क्लेम राइट बनता है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमें राइट्स की क्यों जरूरत है। राइट्स हमें सभी चीज़ों में काम आते हैं। अगर हमारे पास राइट नहीं है वह किसी भी लीडर को चुनने का, तो लीडर अपनी मनमानी करेंगे। राइट्स जो रहते हैं वो गारंटेड रहते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने हमारे साथ गलत किया है तो हम उसे कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आता है हमारे मौलिक अधिकार। सबसे पहला आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, वहीं दूसरे नंबर पर आता है राइट टू फ्रीडम, वहीं तीसरे नंबर पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, चौथे नंबर पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ पर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ पर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो दोस्तों हमारा पहला आता है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी में है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर स्मॉल फार्मर तक सभी के लिए समान लॉ बनाए गए। दूसरा पॉइंट आता है कि किसी पर्सन को अलग से कोई कुतुब मीनार नहीं दिया जाएगा, वरना मोदी जी बोल देंगे कि ताजमहल तो मेरा है। तो दूसरा आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। हमें दोस्तों स्पीच और एक्सप्रेशन, हमारे विचार व्यक्त करने का अधिकार, वहीं किसी भी कंट्री में घूमने का अधिकार, वहीं संघ बनने का अधिकार, तथा रहने का भी अधिकार है किसी भी कंट्री, तथा हमें शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। तो दोस्तों हमारा अगला आता है शोषण के विरुद्ध हमारे राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन बुराई सेट कर रखी है, उन्हें इलीगल करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन पेपर पर रोक लगाता है, तथा फोर्स लेबर जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, तथा चाइल्ड लेबर पर भी रोक लगाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें किसी भी धर्म को अपनाने की फ्रीडम है, वहीं किसी धर्म को छोड़ने की फ्रीडम है, वहीं हमारे रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम हमें, वहीं हम स्वतंत्र है कि किसी भी त्यौहार को हम मना सकते हैं, हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वहीं हमें अधिकार है कि हम किसी भी धर्म पर अपनी बैठक करें। तो दोस्तों अब आता है हमारा कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। पहले नंबर पर आता है, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म का, वो अपनी भाषा का और कल्चर का संरक्षण कर सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमें धर्म और तथा भाषा के आधार पर कोई भी हमें मना नहीं कर सकता। सभी माइनॉरिटीज़ को अधिकार है कि वो अपनी पसंद का स्कूल खोल सके। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया में 100 हिंदू है तथा 50 मुस्लिम है, तो मुस्लिम वहाँ की माइनॉरिटी होगी। दोस्तों हमारा लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडिटीज़। ये हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए अंबेडकर साहब ने इसे दिल भी कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर फंडामेंटल राइट उल्लंघन है तो हम सुप्रीम कोर्ट पर भी जा सकते हैं। हमारी कोर्ट किसी भी कर्मचारी पर फंडामेंटल राइट लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर रहती है कि फंडामेंटल राइट्स में चेंज ला सकती है, तथा उनको ऊपर आदेश दे सकती है, तथा डायरेक्शन बता सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर रहती है कि वो विक्टिम को मुआवजे दे सकती है, तथा वो लेटर जिसने भी उल्लंघन किया है उसको सजा दे सकती है। दोस्तों अब बताएं हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट। इसका मतलब है कि राइट जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं, यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हुमन को पहले के ज़माने में वोट देने का अधिकार नहीं था, जैसे ही राइट बढ़े ना इसकी वजह से हुमन को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। जैसे जैसे राइट एक्सपांड हो रहे हैं वैसे समय के साथ साथ नए राइट्स भी आते जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने लोगों को नए राइट्स की गारंटी दी। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है राइट टू प्राइवेसी। इसके अंतर्गत साउथ अफ्रीकन सिटीजन का कोई भी ना तो घर खोज सकता है, ना उनके फ़ोन को उपयोग कर सकता है, ना ही कोई उनके फ़ोन में व्हाट्सएप फेसबुक जैसे ऐप को चला सकता है। दूसरे नंबर पर एनवायरनमेंट का राइट होगा, जिससे ना तो उनको हानि पहुंचेगी और ना ही हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। थर्ड नंबर पर आता है राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग, मतलब सभी के पास घर होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कि सभी को स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तथा पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, तथा पर्याप्त मात्रा में वाटर मिलना चाहिए, और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमारा चैप्टर होता है खत्म।